फलक सुबह सुबह अभिषेक के सामने क्यों मनीषा की बुराई करने पहुंची, और फलक को साफ साफ अभिषेक ने कह दिया कि आप मेरे सामने मनीषा के बारे में कुछ भी मत कहो। क्या हुआ है ऐसा, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब लगातार घर के अंदर अभिषेक का और मनीषा का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है लगातार इन सारी चीज़ों के बाद किस तरीके से अब सुबह सुबह फलक जब पहुंची है कंप्लेन करने के लिए तो साफ साफ कह दिया है फुकरा ने कि आप मुझसे उसके बारे में कुछ भी मत कहो, आप मुझसे मनीषा की बुराइयां मत किया करो। फलक का कहना है कि अब इस घर में जब कोई कैप्टन नहीं है तो सारी चीज़ें वही अकेले क्यों करे, क्यों कोई और जो है आगे नहीं आता है कुछ भी काम करने के लिए, क्यों जो है उसी को खाना पकाना पड़ता है, क्यों वही घर के सारे काम करे। वो ये भी बोलती हुई नज़र आई कि मनीषा जो है उसकी तो तबीयत ही हमेशा ख़राब रहती है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाती। जिस पर फुकरा ने कहा कि भाई आप उसका नाम मत लो, मनीषा अपनी तरफ से बहुत कुछ करती है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करती है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि जब देखो सब उसी के ऊपर जो है उंगली उठाते रहते हैं। तो एक बात तय है कि जिस तरीके से अब फलक ने एक बार फिर से मनीषा को निशाना बनाने की कोशिश की, ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है फुकरा इंसान को, और उसने साफ साफ मुंह तोड़ जवाब जो है दे डाला है। आप फुकरा इंसान की इस बारे में इस आदत पर क्या कहेंगे। एक बात है कि वो लगातार मनीषा से अपनी दोस्ती निभाता हुआ आ रहा है, उसे पता है कि मनीषा यहाँ पर हमेशा लोगों का साथ देती है, उसका साथ देती है, और इसीलिए फुकरा जो है मनीषा की कोई भी बुराई जो है सुन ही नहीं पाता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।